गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरा सुबह का जो रूटीन है वो स्टार्ट हो गया है, मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। पहले एक रूम को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया, चद्दर वगैरह झाड़ दिया है। अब मैं गई हूँ दूसरे रूम में और यहाँ बच्चे सो रहे हैं अभी तक, तो मैंने बच्चों को भी उठा दिया और यहाँ पर भी बिस्तर वगैरह सब रख दिए हैं। ईशू तो उठ गई है, गुड्डू अभी नहीं उठी। फिर गुड्डू भी उठ गई थी, तो गुड्डू के उठने के बाद मैंने चद्दर वगैरह भी सब झाड़ दिया है, अच्छी तरीके से सब साफ़ सफाई मैंने कर दी। अब मैं लगाऊंगी इसके बाद झाड़ू, क्योंकि सुबह का तो यही रूटीन होता है, सबसे पहले उठने के बाद साफ़ सफाई करने का, फिर इसके बाद ही और काम करेंगे। तो यहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी पहले पूरे घर में और फिर लगाऊंगी पोछा। तो झाड़ू लगाते हुए फिर ईशू को भी आज स्कूल जाना है, तो इसके पापा इसके लिए रख रहे हैं पानी नहाने के लिए बाथरूम में, तो वो नहाने लग गई है। तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो ईशू नहा ली है और गुड्डू ने उसको ड्रेस भी पहना दी है और मैं लगा रही हूँ पोछा। तो साफ़ सफाई का काम हमारा हो गया और ईशू भी नहा लिया। अब मैं इसको तैयार करने लग गई हूँ, मैंने भी नहा धो लिया है और ईशू को स्कूल जाना है। स्कूल जाने के लिए मैं इसको कर रही हूँ रेडी। सबसे पहले उसकी चोटी बना दी है मैंने और सब कुछ, मतलब सॉक्स वगैरह भी पहना दिया है और अब पहना रही हूँ सैंडल, क्योंकि इसके जो शूज हैं पहले वाले वो छोटे हो गए हैं, वो उसके नहीं आए, तो मैंने सोचा चलो अब सैंडल ही पहन कर चली जाया करेगी। तो यहाँ मैंने इसको काजल भी लगा दिया है। तो ये हो गई है पूरी रेडी। कर रहे हो आज आप? रेडी हो गए? आई एम गोइंग टू स्कूल। क्यों जा रहे हैं? तो ईशू का जो काम था वो मेरा सारा ख़त्म हो गया है। ईशू स्कूल चली गई है, अब मैं लग गई हूँ नाश्ता बनाने में। यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ। तो सुबह सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, बच्चों को भी तैयार करना, स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना और साफ सफाई। तो सुबह तो उठकर लगभग 10-11 बजे तक ये काम कंटिन्यू चले रहते हैं, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता इनके बीच। तो यहाँ पराठे मैंने बना लिए हैं कुछ, और मैं बीच में ही कर रही हूँ दूध मीठा। दूध भी उबाल दे दिया है मैंने और अब दे दूँगी नाश्ता। ये बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए, तो उनको दे दूँगी सबसे पहले। नाश्ता हो गया है तैयार, पराठे अचार।
वेजिटाइन ज़्यादा हैवी नहीं खाते, नाश्ता सिंपल ही करते हैं। तो आ जाइए, आप भी कर लीजिए नाश्ता। तो यहाँ इन्हें नाश्ता मैंने दे दिया, ये कर रहे हैं। तो ईशु को छोड़कर कन्हैया भी आ गया था, तो आकर फिर उसने भी नाश्ता किया है, और कृष्णा भी उसके साथ ही आ गया था कन्हैया के, और ये गुड्डू भी, तीनों यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, कृष्णा, कन्हैया और गुड्डू। ये गुड्डू के पास ही खा रहा है। तो नाश्ता भी हमारा यहाँ पर हो गया, और अब हम लग जाते हैं और काम में। दोस्तों, जो किचन का काम था सुबह का मॉर्निंग रूटीन मेरा हो गया है पूरा, और ये देखिए मैंने किचन वगैरह सब साफ कर दी, और अब हम बनाएंगे रसगुल्ले। ये गांव से मामा लेकर आए थे, तो ये रखा है, अब हम इसके रसगुल्ले बनाएंगे। मैंने पहले कभी नहीं बनाए हैं, ट्राई करती हूँ बनाने की। इंदु को बोला है, वो आने वाली है, तो वो बनवाएगी मेरे साथ, वो बनाती रहती है, उसको आते हैं बनाने, मुझे नहीं आते, तो दोनों मिलकर बनाएंगे। तो तो ये मावा मैंने डाल लिया है परात में इसको, क्योंकि मसलना है काफ़ी अच्छी तरीके से, इसलिए मैंने ये बड़े बर्तन में ले लिया है। और इंदु भी आ गई थी तब तक, तो इसने रख दी है चाशनी बनने के लिए गैस पर। मैं मावे को कर रही हूँ, अच्छी तरीके से मल रही हूँ, और इंदु ने रख दी है चाशनी। तो इसमें चीनी डाल ली है, जितनी हमने चीनी डाली है चाशनी बनने के लिए, इतना ही इसमें डाल दिया है पानी, और पहले इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे चाशनी को, चीनी को इसमें घोल लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये चीनी पक गई है, अब इसके ऊपर जो झाग आ गए हैं वे निकाल दिए हैं छलनी से, जिससे ये चाशनी बिल्कुल साफ हो जाए, मतलब काली काली ना हो। तो ये सारे झाग उतारने के बाद 5 मिनट हम इसको पका लेंगे चाशनी को, और इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, हमें सिर्फ चिपचिपा होने तक ही इसको पकाना है। ये देखिए चिपचिपी हो गई है, तो अब गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को रख देंगे ढककर। तो ये चाशनी हमारी हो गई है, और ये जो खोया था इसमें मुझे थोड़ी सी डली लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको कद्दूकस कर दिया है, जिससे ये सारी डली इसमें से निकल जाए और रसगुल्ले हमारे अच्छे बने। तो ये पूरा खोया कद्दूकस कर लिया, अब इसमें डाल लिया है बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच, और 1 चुटकी डाल ली है ये खाने वाला सोडा, जो मीठा सोडा होता है, और 2 चम्मच पानी। इसमें ये अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, और ये पूरे इसमें खोए के अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, जो हमने सोडा खाने वाला और बेकिंग पाउडर डाला था वो खोए के अंदर मिक्स कर लिया। अब हम बैठ गए हैं नीचे, क्योंकि खड़े खड़े काफ़ी देर हो जाती इन्हें बनाने में, तो हमने नीचे ही गैस रख ली है। अब तो यहाँ मैं भी जो ये खोया था अब इसके अंदर मिला रही हूँ मैदा, तो ये मैदा भी मिला लिया है मैंने अच्छी तरीके से इसके अंदर। काफ़ी टाइम लग गया इनको, क्योंकि जो खोया होता है उसको मिक्स करने में बहुत टाइम लग जाता है, वो सॉफ्ट होगा तो तभी रसगुल्ले सॉफ्ट बनेंगे। जितना अच्छा सॉफ्ट से हम मावे को करेंगे, इतने ही अच्छे हमारे रसगुल्ले बनेंगे, वे फटेंगे नहीं। तो ये डो तैयार हो गया, और अब मैंने रख लिया है कढ़ाई, और इंदु बनाने लगी है रसगुल्ले की बॉल्स जो बनाते हैं छोटी छोटी, और मैंने साथ साथ कढ़ाई भी रख लिया है, एक बनाती जाएगी और एक सेकती जाएगी। तो यहाँ तेल को हमें मीडियम गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। तो ये मैंने एक डाल कर देख लिया था, इसमें तेल बिल्कुल परफेक्ट था। तो यहाँ मैंने 8-10 बॉल जो बनाई है वो इसके अंदर डाली है, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। लो फ्लेम पर ही हमें ये रसगुल्ले बनाने हैं, सेकने हैं, बनाने से भी ज़्यादा इसमें फ्राई करने में ही टाइम लगता है, और अगर हम तेज़ आँच करके बनाएंगे तो रसगुल्ले अंदर से कच्चे रह जाएंगे, उनमें डली सी पड़ जाती है, इसलिए मैंने ये गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया, और लो फ्लेम पर ही हम इन्हें चलाते हुए इसी तरीके से सेक लेंगे। इनको बनाने में, सेकने में लगभग 10 मिनट एक बार में बिल्कुल लग जाते हैं, क्योंकि लो फ्लेम पर ही हम इनको करते हैं। तो चलाते हुए इनका कलर चेंज होता जाएगा थोड़ा थोड़ा चारों साइड से, और इसी तरीके से इनको बना लेंगे। ये देखिए काफ़ी इनका कलर चेंज हो गया है, और मैंने बिल्कुल गैस का फ्लेम लो ही किया हुआ है, इसी तरीके से बनाने चाहिए इनको, क्योंकि अगर तेज बनाएंगे तो बाहर से तो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
तो ये अच्छे मतलब कलर अच्छा आ गया है इनमें। अब मैं इनको निकाल लूँगी और निकाल कर इनको डायरेक्ट डाल लूँगी चाशनी के अंदर, क्योंकि तभी अच्छी तरीके से फूलेंगे। ये चाशनी भी हमारी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी ना हो। अगर ठंडी हो जाए तो उसको दोबारा गर्म कर लें, और ये गरम गरम अगर चाशनी के अंदर डालेंगे तभी जो चाशनी है वो अंदर तक इनके चली जाएगी। तो यहाँ इसी तरीके से सारे रसगुल्ले हम फ्राई कर लेंगे। तो हम दोनों बहनों ने मिलकर यहाँ रसगुल्ले बना लिए हैं सारे। काफ़ी टाइम लग गया था मैंने सेकने में, लगभग 1-1.5 घंटा। तो ये रसगुल्ले चलो खैर जो भी है बनकर तैयार हो गए हैं हमारे सारे रसगुल्ले। ये देखिए रसगुल्ले बनकर तैयार हैं, लगभग 2 घंटे हो गए हैं इनको रखे हुए, और अब हम इनको कर देंगे सर्व। ये खाने के लिए तैयार हैं, देखने से तो अच्छे लग रहे हैं, आगे देखते हैं खाने में कैसे लगेंगे। तो ये मैंने लगा दिए हैं प्लेट में सबके लिए, और इंदु चली गई थी बनवा कर क्योंकि उसे खाना बनाना था जाकर, और बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे तो इसलिए वो चली गई थी बनाकर। तो उसके लिए भी मैंने रख दिए हैं, उधर भेजने के लिए भी टिफिन में रख दिए तैयार करके। एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 दोस्तों।